वेलकम टू मेरी रींस किचन इट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, इससे आप मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब व्यूवर्स। आई होप के सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसका नाम है जी पिज्ज़ा पराठा सैंडविचेस। तो मैं आपको इसको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। चले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैं चाहिए फ्रोज़न पराठे। मैं डॉन के यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो फ्रोज़न आप वो ले सकते हैं। मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं, 200 ग्राम चीज़ है ये, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें मैं बहुत सारी वेजीज़ यूज़ करूँगी, जैसे कि मेरे पास ऑरेंज बेल पेपर है, ग्रीन कैप्सिकम है, स्वीट कॉर्न है, ब्लैक ऑलिव्स हैं, प्याज मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, चॉप कर लिया सबको, तो मैं ये वेजिटेबल्स इसमें यूज़ कर रही हूँ। साथ में मेरे पास ये पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपको अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो फिर आप उसमें से इसको देख लीजिएगा। साथ में थोड़ा सा घी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पराठे फ्राई कर लेते हैं। तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा घी के ऊपर लगा देंगे और हमें एक पराठा इसके ऊपर रख देते हैं। थोड़ा सा घी हम पराठे के ऊपर भी लगा देते हैं। इसके लाइट गोल्डन होने का वेट करते हैं। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। इस तरह हल्का हल्का से इसको प्रेस करते रहें ताकि सेंटर में से कच्चा ना रहे। हमें बहुत ज़्यादा इनको डार्क ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, बहुत ज़्यादा बस इसको बिल्कुल लाइट सा रखना है। बस ये हमारा रिक्वायर्ड कलर है, ये देख लें दोनों साइड से इक्वली लाइट गोल्डन हो गया। तो चलें अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं बाकी सारे पराठे बनाकर आपको मिलती हूँ। चलें जी, हमारे पराठे रेडी हो गए हैं, अब हम इनकी असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले हम एक पराठा लेंगे और एक टीस्पून ये पिज़्ज़ा सॉस लेकर हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब इस पर वेजेस डाल देते हैं। थोड़ी थोड़ी सब वेजेस में डाल दूंगी। ये पराठे बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं और इफ्तारी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां या लेफ्ट ओवर चिकन, मशरूम्स हो आपके पास, कुछ भी डाल सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस पे है कि आपको इसमें क्या कुछ ऐड करना है या क्या कुछ स्किप करना है। चलिए जी, अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। इसको इस तरह इस साइड से ऐसे प्रेस कर देंगे। ये एक रेडी हो गया। इसी तरह एक और बना लेते हैं। सबसे पहले पिज्ज़ा सॉस, इसके साथ अनियन, कैप्सिकम, ऑलिव्स, स्वीट कॉर्न और एंड में चीज। आप चाहे तो चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं,
मैं इस टाइम सिर्फ मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ। चलिए जी, अब हम इसको भी ऐसे टर्न कर लेते हैं। मैंने चारों पराठे रेडी करके रख लिए हैं, इनकी फिलिंग मैंने कर ली है। दूसरी तरफ मैंने तवा रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे ही तवा गर्म होगा तो फिर ये पराठे हम इस पर रख के इसकी चीज़ को मेल्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट में पराठे हमारे रेडी हो जाएंगे। इस तरह हम दो पराठों को दबाकर बस जैसे ही इसकी एक साइड गोल्डन होती है तो फिर मैं इसको फ्लिप करूंगी और दूसरी साइड से भी गोल्डन करके फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चलिए अब इसको बारी बारी टर्न कर लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। इसीलिए हमने पराठे उस टाइम बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किए थे, क्योंकि हमने इस टाइम इसको दोबारा से इसको थोड़ा सा फ्राई करना था। बस जैसे ही मैं इसको टर्न करूँगी हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं बाकी का करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पिज्ज़ा पराठा सैंडविच रेडी है। इसको आप चिली सॉस और टोमेटो केचप के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़।